पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि प्लेन मिरर में ठीक है, प्लेन मिरर में आपका जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनता है, ठीक है, वो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। और अभी का जो वीडियो है आज का, वो हम लोग इसमें इसका जो अगला हिस्सा है वो देखेंगे, स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? स्फेरिकल मिरर के बारे में, ठीक है ना, स्फेरिकल मिरर मतलब होता है गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण। तो देखिए, गोलीय दर्पण में होता क्या है कि दो चीजें होती हैं आपके, ये गोलीय दर्पण है राइट, या तो इसको बाहर साइड से पॉलिश कर दिया जाए, या तो इसी को अंदर साइड से पॉलिश कर दिया जाए, ठीक है। तो दोनों केस में दो तरह का जो है दर्पण बन जाता है, समझ रहे हो, दो तरह का मिरर बन जाता है। अगर गोलीय दर्पण का, ठीक है ना, केंद्र की ओर मंस उसका जो कर्व है वो अगर केंद्र की तरफ होता है, समझ रहे बात, कर्व जो रीजन है वो केंद्र की तरफ होता है। मान लीजिए कि ये आपका मिरर का एक हिस्सा है, गोलीय दर्पण का एक हिस्सा है, और ये जो घुमा हुआ जो हिस्सा है वो सेंटर की तरफ है, किधर है, सेंटर की तरफ, ठीक है। तो इन दिस केस आप इस दर्पण को क्या बोलोगे, आप इस केस में इसको बोलोगे कॉनकेव मिरर आप कहेंगे, क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर। लेकिन यहाँ पे क्या, कोई भी दर्पण बनाओगे तो उसको दर्पण को M और N से आपको दिखाना होता है, और ये P यहाँ लिखते हो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और इसको जो बोलते हैं आप F बोलते हैं, मुख्य फोकस, ठीक है। तो यहाँ ये चीजें हैं। अब हम लोगों को देखना है कि आखिर ये कॉनकेव मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर किसको बोलते हैं। कॉनकेव मिरर में क्या होता है, जो कर्व सरफेस होता है ना, एक मिनट में पेन का कलर चेंज कर लूं, जो कर्व सरफेस होता है आपका, ये जो कर्व सरफेस है, ये वाला ये किधर वक्रित है, ये किधर कर्व है आपका, केंद्र के तरफ कर्व है, किधर है, केंद्र के तरफ। अगर यही चीज केंद्र के तरफ वक्र ना हो, कर्व नहीं हो, तो उसी को हम लोग कौन सा मिरर कह देंगे, उसी को हम लोग कह देंगे कॉन्वेक्स मिरर। जैसे मान लीजिए कि ये चीज है आपके सामने, ये ठीक है, और इधर हम लोगों ने क्या किया, इधर इसके पीछे साइड में पॉलिश कर दिया है, ठीक है। तो इन दिस केस क्या होगा कि ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो रहेगा ही, और ये फोकस रहेगा, ठीक है, और ये क्या रहेगा, पोल रहेगा। लेकिन अगर ये जो पिछला जो मिरर था, इसमें अगर यहाँ पे लाइट आता, इसमें लाइट आता, तो ये जो है आपका क्या होता है, इधर से लाइट नहीं आएगा, ठीक है, जब भी लाइट आएगा इधर से आएगा, क्योंकि पीछे साइड पॉलिश किया हुआ है, और इधर से लाइट आएगा और ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा इस तरह से, समझ रहे, इधर से लाइट आएगा तो इधर से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। लेकिन इस केस में क्या है, पॉलिश इसमें क्या है, पीछे से किया हुआ, इस कारण से ऐसा हो पा रहा है। लेकिन अगर यही पॉलिश जो है इधर से किया हुआ रहेगा, ठीक है, लेफ्ट साइड से किया हुआ रहेगा, तो लाइट जो है इधर से नहीं आएगा, लाइट किधर से आएगा, इस साइड से आएगा, समझ रहे बात को, किधर से आएगा, इधर साइड से आएगा लाइट, ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट करेगा पीछे साइड, किधर रिफ्लेक्ट करेगा, पीछे साइड, और इसको हम लोग को इमेजिनरी वे में हमको फोकस से यहाँ पार करना होगा, समझ में आ रहा है बात, इमेजिनरी वे में कहाँ पार करना होगा, फोकस से। तो ये चीजें हैं जो आपको यहाँ पे समझनी होंगी। और इस मिरर को आप क्या कह देते हो, इस मिरर को आप कहेंगे कॉनवेक्स मिरर, क्या कहोगे इसको, कॉनवेक्स मिरर कहोगे आप इसको, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर का मतलब होता है, इसको बोलते हैं अवतल दर्पण, इसको क्या बोलते हो, ऊपर वाले को बोलोगे अवतल दर्पण, और इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण, क्या बोलते हैं इसको, उत्तल दर्पण का मतलब उठा हुआ है, ठीक है ना, उधर से लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, उधर से लाइट क्या करेगा, रिफ्लेक्ट, ठीक है।
तो आई होप आपको ये दोनों दर्पण यहाँ पे समझ में आया होगा, ठीक है, दोनों दर्पण समझ में आया होगा आपको यहाँ पे। अब हम लोग को यहाँ देखना है कि कुछ टर्म्स हैं जो स्फेरिकल मिरर में यूज होते हैं, ठीक है ना, स्फेरिकल मिरर में यूज होने वाले टर्म्स। देखिए तो ये जो टर्म्स है जो स्फेरिकल मिरर में यूज होता है उसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे स्फेरिकल मिरर में जो टर्म्स होते हैं यूज उसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक स्फेरिकल मिरर आपको यहाँ पे बनाना होगा और उसी टर्म्स को आपको क्या करना है यहाँ पे देखना है। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर में जो टर्म्स यूज होते हैं उसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे जानने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे एक आप स्फेरिकल मिरर बना लो, ये क्या बन गया स्फेरिकल मिरर, और स्फेरिकल मिरर का कौन सा पार्ट है ये, कॉनकेव वाला हिस्सा है, कौन सा हिस्सा है ये, कॉनकेव वाला हिस्सा, ठीक है ना, ये कॉनकेव वाला हिस्सा हो गया। और इसमें अगर इसको पूरे तरीके से देखा जाए, इसको अगर पूरा तरीके से देखा जाए तो ये क्या होगा, पूरा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, स्फेरिकल होगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं सेंटर होगा, ठीक है। और इस सेंटर से अगर यहाँ एक पास होगा सीधा लाइन, तो यहाँ जो होगा आपका क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा ये, और ये इसको दे दो आप एम और ये एन दे दो नाम, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लूंगा पेन को, पेन का कलर को चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पे सही ढंग से दिखाई दे, ठीक है। चलिए तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया आपका, और यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो होता है वो फोकस होता है, क्या होता है फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। चीजें जो यहाँ इस प्रकार से हैं आपको कि सेंटर से लेके पोल तक का जो दूरी होता है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकस से लेके पोल तक का जो दूरी होता है उसको फोकल लेंथ कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फोकल लेंथ, ठीक है। और ये तो आप जान ही रहे हैं एम एन से डिनोट करते हैं इसको, कुछ इस प्रकार से आपके जो यहाँ पे है ये टर्म्स हो चुके हैं। वन टाइम मैं फिर से यहाँ पे आपके लिए ये बना रहा हूँ ताकि आपको और भी क्लियर वे में आपको समझ में आए। जैसे मान लीजिए ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया ये, ठीक है, ये कौन सा मिरर हो गया आपका, ये कॉनकेव मिरर है। यहाँ से ये मान लीजिए आप सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसका नाम दिया गया एम, इसका नाम दिया गया है एन, ठीक है। ये दोनों के बीच में जो होता है आपका फोकस होता है, यहाँ से लेके यहाँ सेंटर से लेके पोल तक का दूरी जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और ये फोकल लेंथ कहा जाता है इसको, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दूरी होता है उसको, ठीक है। यहाँ सारा कुछ हो गया, ये जो मैन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस और पोल को जो मिलाएगा लाइन उसको बोलते हैं आप प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले ये आप समझिए कि ये जो पी है यहाँ पे, पी पोल किसको बोलते हैं, पोल, सॉरी एक मिनट, पोल किसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो पोल मतलब होता है ध्रुव, पोल मीन्स क्या होता है, ध्रुव। इसको हमेशा पी से दिखाओगे, किस चीज से दिखाओगे, पी से, ठीक है। पोल को हमेशा किस चीज से दिखाना है आपको, पी से। पी से दिखाने के बाद क्या आपको करने है, ये होता क्या है, ये जो है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट होता है, जो केंद्र होता है उसको कहते हैं, ये है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। चेंज कर लू मैं पेन को, ये एक मिनट, ये जो है आपका ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये पूरा लाइट जो इधर से आएगा और इधर ही रिफ्लेक्ट करेगा, मीन्स राइट लेफ्ट साइड से आएगा और लेफ्ट साइड से क्या होगा, लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगा, समझ रहे होगा। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका जो पूरा बीच वाला हिस्सा है, पूरा मिड पॉइंट जो है किसी भी मिरर का जो मिड पॉइंट होता है ये, इसको आप क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। तो प्रवर्तक सतह मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर पॉइंट होता है उसको पोल कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, पोल। अब जो दूसरा पॉइंट आता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है वो बोलते हैं आप किसको, प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है मुख्य अक्ष को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, मुख्य अक्ष को। ये होता क्या प्रिंसिपल एक्सिस वो देखोगे आप, प्रिंसिपल एक्सिस जो है ना आपका, प्रिंसिपल एक्सिस वो किसको बोलते हैं, ये एक जो होता है स्ट्रेट लाइन होता है, कैसा लाइन होता है ये, स्ट्रेट लाइन, ये जो है एक सीधा स्ट्रेट लाइन होता है जो कि सेंटर से
पोल से और फोकस से, तीनों से गुजरेगा ये लाइन। सेंटर, फोकस और पोल से गुजरने वाला जो सीधा लाइन है उसको आप क्या कहोगे? प्रिंसिपल एक्सिस कहोगे। क्या कहोगे? प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है ये मिरर पे एज अ नॉर्मल काम कर रहा होता है। कैसे काम कर रहा होता है? एज अ नॉर्मल, इसको आप नॉर्मल भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? नॉर्मल भी कह सकते हैं आप, ठीक है। अब जो अगला पॉइंट है वो है, वो जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है? सेंटर, एक मिनट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको आप बोलते हो वक्रता केंद्र। क्या बोलेंगे इसको? वक्रता केंद्र कहते हैं इसको। सेंटर ऑफ कर्वेचर को वक्रता केंद्र कहा जाता है, ठीक है। ये चीजें आपके सामने, सेंटर ऑफ कर्वेचर को वक्रता केंद्र कहेंगे। ये क्या होता है? जो स्फेरिकल मिरर होता है ना, स्फेरिकल मिरर के ये जो यहाँ पे आपके सामने, एक मिनट, ये जो स्फेरिकल मिरर है इसको मान लो पूरा गोल कर ले, पेन चेंज कर लेता हूँ, इसको मान लो आप ग्रीन वाले ले लेता हूँ, इसको मान लो पूरा गोल गोल आपको करने है, पूरा गोल करना है, तो कहीं ना कहीं सेंटर आएगा एक बीच वाला, जैसे सर्कल ही मान लीजिए बना, ये मान लीजिए कि सर्कल है तो कहीं बीच में एक सेंटर भी होगा, ठीक है। और ये जो लाइन जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है, ये परावर्तक सतह हो गया आपका, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे जो है आपका ये सेंटर जो है आपका, जो गोलीय दर्पण का जो मिड पॉइंट होता है इसको बोलते हैं आप क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। इसको हमेशा हम लोग किस से दिखाते हैं? सी से दिखाया जाता है। कैसे दिखाते हैं? सी से। सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे दिखाएंगे? सी से हम लोग को हमेशा दिखाना है। चलिए अब अगला जो पॉइंट है वो क्या है आपका? वो जो है अगला पॉइंट जो है रेडियस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर तो इसको जो है आप हमेशा कैपिटल आर से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? कैपिटल आर से। ये लेंथ होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? ये लेंथ होता है। कहाँ? सी से लेके पोल तक का जो दूरी होता है उसको रेडियस बोलते हैं, या तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलोगे आप, सी से लेके पी तक का दूरी जो होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, इसको एफ बोलेंगे यहाँ पे। आगे जो है पॉइंट कुछ दिया हुआ है, फोकस किसको बोलते हैं? फोकस, ठीक है, फोकस किसको बोलते हैं, है ना। तो फोकस जो है आपका सी और पी के बीच में एक पॉइंट होता है जिसको फोकस बोलते हैं। यहाँ से कोई भी लाइट जो है क्या होगा? रिफ्लेक्ट होकर यहाँ क्रॉस करता है, ठीक है। कोई भी लाइट यहाँ क्या होगा? रिफ्लेक्ट होकर क्रॉस करता है। ये हो गया एफ। और जो आपका जो आर इज इक्वल टू होता है, आर इज इक्वल टू जो होता है वो टू एफ होता है। ये फार्मूला आपको न्यूमेरिकल में ही काम आएगा, ये फार्मूला। आर इज इक्वल टू कितना होगा? टू एफ होता है, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पे कुछ कुछ टर्म्स जो है वो देखे हैं, और मैं यहाँ पे कुछ और भी आपको बता दूं कि नहीं, अभी नहीं, हम लोग आगे देखेंगे। अब हम लोग को आगे देखना है कि इमेज फॉर्म्ड इन, देखिए अगला जो आपका क्लास होगा ना वो क्या होगा वो मैं बता देता हूँ। अगला जो क्लास है वो होगा आपका इमेज फॉर्मेशन पढ़ना है, फॉर्मेशन इन कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। जो इमेज फॉर्मेशन तो कॉनकेव मिरर में वो हमें देखने हैं, ठीक है। कैसे देखना है वो मैं बता देता हूँ। कुल टोटल एक से लेके छह पॉइंट है, वो छो पॉइंट में किस तरह से इमेज बनता है वो हम लोग को देखना है, ठीक है।
सारे को हम लोग समझेंगे पॉइंट बाय पॉइंट, और इसको फिर इस क्लास को हम लोग अगले जो वीडियो होगा उसमें देखेंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करने आपको। तो आज तक के लिए यहीं रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, जय हिंद।